children, good morning. How are you all? Fine? Okay. So children, today we are going to study subject English of class 4. Okay? Yes. So in the previous lecture, we have completed up till page 72 in the Marigold workbook. Okay? Now we are moving further with the next exercise, exercise 3. क्या है उसमें देखो, write the sentences with the capital letter and punctuation make marks very necessary. ओके, तो तुमको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें तुमको इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप फर्स्ट लेटर कैपिटल उस तरह से तुमको वो सेंटेंस अच्छे से फॉर्म में लिखना है. ओके, जैसे तुमको दिया हुआ है द टीचर सेड मीनल विल नॉट सिट विद द काजल. ओके, तो फर्स्ट लेटर जो है टी एच ई द, तो टी जो है वो स्मॉल है बट हम लोग तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. सो यू विल राइट लाइक दिस, द टीचर say, after say you will put comma and then हम लोग inverted comma start करेंगे. okay, then after क्या है यहाँ पे, meaner will not sit with काजल. okay, so you will make like this, understood after here, and in the last you will close the inverted comma. समझ में आया कैसे करेंगे? The teacher said after comma, teacher ने क्या बोला कि जो मीनल है वो काजल के साथ नहीं बैठेगी. सो कॉमा आफ्टर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा. इन द लास्ट यू विल क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा एंड देन तुम लोग क्या करोगे, फुल स्टॉप रखोगे. अंडरस्टूड? यस. नाउ नेक्स्ट, राज रवि एंड आनंद विल सिट विजिट मिस्टर दवे ऑन मंडे. अभी राज रवि एंड आनंद ये तीनों नेम्स हैं, तो नेम्स का हमेशा जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. तो यहां से स्टार्ट करेंगे, राज रवि एंड देन आफ्टर व्हाट यू विल सी क्या है नेक्स्ट, आनंद. ओके, सो राज रवि एंड आनंद विल विजिट मिस्टर दवे ऑन मंडे. तो लास्ट में हम लोग क्या रखेंगे, फुल स्टॉप. क्लियर? अब तुम लोगों को उसी तरह से फाइव सेंटेंस खुद से बनाने है. समझ में आया? अब नेक्स्ट जो तुम्हारा एक्सरसाइज है 4 नंबर का, उसमें तुमको क्या करना है, प्लूरल्स लिखने हैं. ओके, सो यू हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ द सेंटेंसेस. तो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट क्या है, टोमेटो, राइट? सो फॉर टोमेटो व्हाट यू विल मेक, टोमेटो टोमेटोज. नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड नंबर क्या है, देखो ब्रश, देन व्हाट यू विल मेक, ब्रशेस. ओके, यू विल एड ई एस इन द लास्ट. नाउ थर्ड नंबर अगेन व्हाट इज गिवन, टूथ. ओके, सो टूथ का हम टूथ्स नहीं लिखेंगे, वी विल मेक टीथ. ओके, टूथ का हम लोग प्लूरल टीथ लिखेंगे, टूथ्स नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट 4 नंबर है क्लास, सो व्हाट यू विल राइट, क्लासेस. ओके, 4 नंबर में हम क्या लिखेंगे, क्लासेस. व्हाई वी हैव एड हियर ई एस, बिकॉज़ यहां पे लास्ट में है एस, तो हम उसके साथ ई एस यूज करेंगे. नेक्स्ट तुमको फाइव नंबर क्या दिया हुआ है, देखो डोंकी, सो व्हाट यू विल राइट, डोंकी. नाउ मेन है यहाँ पे, देखो 6 नंबर में तुमको है मेन, एम ए एन, तो इसका प्लूरल एम ए एन एस ऐसे नहीं लिख सकते, मेन का प्लूरल मेन्स नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग. सो यू विल राइट एम ई एन मेन. ओके, दिस इज ऑलरेडी प्लूरल वन, अंडरस्टूड? इस तरह से तुम लोग को लिखना है. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट, इट इज 7 नंबर गूज, सो गूज है तो हम इसका लिखेंगे गीज, जी डबल ई एस ई, अंडरस्टूड? नेक्स्ट है टैक्स, सो टैक्स इज लाइव, सो लाइव, एंड द नेक्स्ट इज पोनी, सो पोनीज, आई ई एस एड करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन ब्रैकेट. तुमको ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड को तुमको कहां पे प्लूरल में यूज होगा और कहां पे सिंगुलर में यूज होगा वो देखना है. समझ आया? अब जैसे देखो फर्स्ट वन तुमको दिया है, दिस शॉप हैज मैनी डैश. नाउ वो जो शॉप है उसमें बहुत सारे क्या है, ब्रैकेट में देखो टॉय, सो मैनी है तो मैनी के साथ मैनी क्या हुआ प्लूरल, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, टॉयज, यहाँ पे एस आ जाएगा. ओके, बिकॉज मैनी इज अ प्लूरल, सो यू विल पुट टॉयज. नेक्स्ट इट इज विच डैश वुड यू लाइक टू बाय. नाउ विच टॉय, ओके, विच मीन्स एक ही चीज के बारे में, सो यहाँ पे हम टॉय लिखेंगे, टॉयज नहीं लिखेंगे. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट सी व्हाट इज द थर्ड नंबर की,
सेकंड नंबर अहमदाबाद इज अ बिग सिटी. ओके ऑप्शन में तुमको सिटी दिया हुआ है तो अहमदाबाद जो है वो सिटी है. सो ए के सिटी है. ओके सो यू विल राइट सिटी. नाउ नेक्स्ट ब्लैंक सी. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन ऑल बिग. ऑल मींस बहुत सारी सिटीज. सो यहां पे क्या हो गया प्लूरल हो गया. समझ में आया तो आई एस लिखोगे तुम लोग. वाई है तो इट वुड बी चेंजिंग इन द आई एस. क्लियर. नेक्स्ट इज देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन माई क्लास रूम बट टीना इज द मोस्ट ओबीडियंट चाइल्ड. बहुत सारे चिल्ड्रन हैं तो चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या लिखेंगे हम चिल्ड्रन. ओके बट उसमें से एक ही चाइल्ड ऐसा है जो सबसे ज्यादा ओबीडियंट है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्लूरल देन नेक्स्ट वुड बी सिंगुलर. फोर्थ इज दिस इज अ मैंगो ट्री देर आर मेनी राइट मैंगोस. वो एक ही ट्री है मैंगो का ठीक है तो हम क्या लिखेंगे मैंगो. पर उस मैंगो ट्री के ऊपर बहुत सारे मैंगोज हैं जो राइट है. ओके सो हम क्या लिखेंगे मैंगोज. समझ में आया किस तरह से लिखना है. अंडरस्टूड. सो आई हैव एक्सप्लेन यू अप टिल 4 देन नेक्स्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ अप टिल 10. ओके सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट बाय बाय. थैंक यू.